a force F 2 I cap and minus J cap plus 4 cap K cap. इस तरह से वर्क कर रहा है. डिस्प्लेस अ पार्टिकल अप टू डिस्प्लेसमेंट 3 I cap plus 2 J cap minus K cap. ठीक है. कैलकुलेट द वर्क डन. तो इसको करने से पहले हमें एक चीज समझनी है, एक चीज चेक करनी है कि I cap dot I cap की वैल्यू कितनी होगी. तो इसको एनालाइज कर लें कि अगर I cap दो अलग अलग I cap लोगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. ये I cap हो गया. I cap का मतलब है यूनिट वेक्टर. तो दो I cap को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो वन है और दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री है. तो हम इसको लिख सकते हैं वन, पहले का मैग्नीट्यूड वन, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी वन और दोनों के बीच में एंगल कितना है कॉस जीरो डिग्री. तो ये वन के बराबर आ जाएगा. तो इससे हम फिर रिजल्ट भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं कि I cap dot I cap या सेम J cap dot J cap या K cap dot K cap, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी वन. मतलब अगर सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स को तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वन मिलेगा. ठीक है. मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस नहीं है. तो इसको ऐसे कहना चाहिए कि सेम टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट वन. अब इसको डिफरेंट टाइप का देख लेते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा. ऑब्वियसली अगर डिफरेंट टाइप का डॉट है, बीच में डॉट लगाना, ऐसे क्रॉस मत लगाना, उसका मतलब डिफरेंट होता है. तो जस्ट यूज डॉट. तब आई क्रॉस जे कहेंगे वो वेक्टर होगा. तो फिलहाल हम उसको लाइन ही रहे, उसका अभी यूज नहीं है तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं. तो तुम डॉट ही समझो पहले, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें सीखने से कोई फायदा नहीं है. ठीक है. तो जहाँ पे यूज होगा वहाँ बता दूंगा. जैसे इसको बताया तो आई कैप डॉट जे कैप जीरो होगा, क्योंकि इसमें आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, कि आई कैप इधर होता है और जे कैप ऐसे होता है. तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो अगर फॉर्मूला लिखोगे कि पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 क्या होता है, जीरो. बस ये बात अगर समझ में आ गई तो ये समस्या बिल्कुल कुछ नहीं. अब शुरू करते हैं तो क्वेश्चन भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा. इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं. फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हमने पढ़ा है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी. यहां पे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि F का मैग्नीट्यूड निकालो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, उनके बीच का एंगल निकालो तब करो, मगर वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा तो उसको करने की जरूरत नहीं है. तो सीधे वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लिखो, वो ज्यादा सही है, उसमें अननेसेसरी फालतू की प्रोसेस हो जाएगी. एफ डॉट डी, ठीक है, एफ डॉट डी. सो एफ डॉट डी को मैं थोड़ा सा स्टाइल से लिख रहा हूँ. एफ को लिख रहा हूँ टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप. वैसे मल्टीप्लीकेशन होता है डॉट, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, फिर समझाने के लिए लिख रहा हूँ. तो ये आ जाएगा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप. तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इनका करेंगे, तो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया. अब क्या होगा कि इसका आई वाला इसके आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, के से, है ना. इसका एक टर्म इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से किसी से भी शुरू कर सकते हो. जैसे इसका टू इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे ये टू इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा. जब ये आई जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाई होगा तब तो जीरो मिल जाएगा. समझ आई बात. हाँ, सिर्फ आई डॉट आई कैप उसका कुछ मतलब आएगा. तो अगर इसको सही से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टू इंटू थ्री आई कैप डॉट आई कैप, टू इंटू टू आई कैप डॉट जे कैप, टू इंटू माइनस वन, यहाँ पे वन है, टू इंटू माइनस वन आई कैप डॉट के कैप. तो तीन टर्म इसमें आएंगे, ऐसे ही तीन टर्म इसके आएंगे, तीन नौ टर्म्स आएंगे, मगर जो छः टर्म है वो तो जीरो हो जाएंगे. तो खाली टू इंटू थ्री आई कैप डॉट ए कैप वन होता है तो टू इंटू थ्री सिक्स आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर ये सीधा ही मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली यहाँ पर होगा, यहाँ पे माइनस वन है
तो माइनस वन इंटू टू कितना हो जाएगा, माइनस टू ठीक है। जे कैप डॉट जे कैप होगा, यहाँ पे फोर इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस फोर, और के कैप डॉट के कैप, तो यहाँ पर सिक्स माइनस सिक्स दैट विल बी ज़ीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो जूल आ जाएगा। तो इस तरह से है ना, सिंपल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। सर ही हो गया।